तो हाउ डू वी प्रपोज, एक बंदा एक बंदी को प्रपोज कैसे करेगा ये देखते हैं बेटे। उसको कभी भी क्या करना है बेटे, डायरेक्ट प्रपोज नहीं करना, फूल पत्ती नहीं देने का, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देने का, उसे क्या करो पीरियोडिक टेबल सिखाओ। उसे क्या करेंगे बेटे, पीरियोडिक टेबल सिखाएंगे और उसे सुनाएंगे क्या, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या बोला मैंने, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आई रिपीट, ध्यान से बेटे, क्या कहा मैंने, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो मुझको लगता है ये लाइन भी याद हो जाएगी, बल्कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है, दिल पे छप जाएगी बेटे, याद हो जाना चाहिए एक बार सुनकर ही। अगला, लेकिन अगर आप किसी को प्रपोज करो तो क्या खाली पीली प्रपोज करोगे, थोड़ा सा माहौल में रोमांटिकनेस, माहौल रोमांटिक भैया, ग्रीटिंग कार्ड देने से, केक खिलाने से, पेस्ट्री खिलाने से, या फिर बर्गर पिज्जा खिलाने से, या फिर फूल पत्ती देने से, मोमबत्ती देने से, भैया कोई भी रोमांटिकनेस नहीं आती, ये आपकी बातों का चमत्कार होता है। तो यहां पे क्या होगा बेटे, आप कैसे किसको शेरो शायरी करके आप प्रपोज करोगे, माहौल रोमांटिक कैसे बनाना है, एक शेर मैं सुनाता हूं, देखो यहां पे पीरियोडिक टेबल का शेर है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी। क्या बोला मैंने बेटे, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। आई रिपीट, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, आज ही रोएगी। अच्छा एक बात और, शेर को समझने का नहीं, शेर बस चिपका देने का, मार देने का, बाकी जिसने सुना वो समझता रहेगा, फीलिंग होती है, ट्रांसफर हो जाती है।